राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर सुबह से ही राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधियों का पहुंचना शुरू हो गया था। सभी ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता और साथ ही में पार्टी अध्यक्ष दिनेश यादव साथ पहुंचे और सभी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अरे प्रभु, इस तरह देखिए, इधर देख, ऐसे थोड़ा मुड़ के इधर देखिए, इधर चेहरा देख सकते हो, हाँ देते थोड़ा ठीक हो गया सर। यहाँ देखिए भैया, भैया भैया महात्मा गांधी का जन्मदिवस है। जबलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अपना जन्मदिवस करते हैं, अभी कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेना देश को बहुत अधिक आवश्यकता थी।
जैसा राम भाई ने कहा, हम गांधी जी को तो मानते हैं, गांधी जी की नहीं मानते, जो कह गए हैं आज आज के जो संदर्भ में। दो लाड़ले सबूत अब संघर्ष की सभा का आयोजन हम अपने कांग्रेस कमेटी जबलपुर कांग्रेस कमेटी के उज्जवल अध्यक्ष सम्मानित दिनेश यादव जी के में देश की आजादी का हमारा भविष्य जन कांग्रेस के नेता गांधी की शिष्ट उपस्थिति और महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत हम संघर्ष की सभा पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। देश कम देते थे उसके मेहमान का पालन करते थे। कांग्रेस कमेटी के यदि मैलान होने का विरोध किया तो सबसे पहले उन्होंने उठाया और इस मामले में उनकी पत्नी से विवाद भी हुआ। पत्नी उनकी सहमत नहीं थी परंतु उन्होंने पत्नी को पत्नी उनसे रूठ के चली गई। वो जिस बात के लिए करते थे उसका पालन किया। आज ऐसे लोगों की बहुत कमी है। आज आज जो पंचायती राज है वह देश का जो लागू हुआ वह राजीव गांधी जी द्वारा लागू किया गया था। यह महात्मा गांधी की जितनी भी योजनाएं थी जो उनके सोच थे उनको साकार कांग्रेस ने किया। आज देश में जो सार्वजनिक उपकरण है जिसको कांग्रेस ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया, आज भारत की सारी निर्माणीय कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया। कांग्रेस इसका विरोध करती है क्योंकि आज प्राइवेटीकरण हो जाएगा, यह होगा कि लोग बेरोजगार होंगे और सारे जो शासकीय उपक्रम है प्राइवेट किए जा रहे हैं। यह युवाओं के हित में नहीं है और देश के हित में नहीं है। खासकर देश की अशांति और गोपनीयता भंग होगी। आज के दिन हम दोनों महान नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो जय जवान जय किसान का नारा प्रदान करते थे, आज किसान हमारा 10 मार्च आंदोलन पे है, तो देश के प्रधानमंत्री को उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्य है और हम मांग करते हैं कि किसानों की जो उचित मांगे हैं 3 कानून निरस्त किए जाएं। और हम चौहान जी भी उपस्थित हो गई है। ठीक है, आपका स्टाफ प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जबलपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानियों ने सत्य धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलकर समस्त देश को परतंत्रता की बेड़ियों से स्वतंत्र कराया, उनके लहू के बलिदान पे आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। उनको मैं उन वीर शहीदों को सत नमन करती हूँ और ये आह्वान करती हूँ कि देश में सत्य अहिंसा और एकता सदा बनी रहे, सर्वधर्म समानता बनी रहे। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार बधाई देती हूँ। दीपमाला सिलावट, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस सेवा दल। मनोज कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा। देश के दो ऐसे लाल सपूत जिन्हें पूरा विश्व महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे जानता है, उनकी आज जयंती है, उनके जन्म दिवस है। कांग्रेस पार्टी परंपरा अनुसार आज के दिन यहाँ पर प्रतिमा स्थल पर आके पुष्पांजलि अर्पित करती है, संगोष्ठी में उनके जीवन दर्शन पर विचार व्यक्त करती है। गांधी के सिद्धांतों को अलग जगाते हुए हर व्यक्ति से एक निवेदन करती है कि जितना हम गांधी को जानते हैं उतनी हम गांधी की बात नहीं मानते। यदि ये देश बढ़ने लगेगा तो मुझे लगता है कि ये देश एक ऐसे देश के रूप में रहेगा जहां एकता, अखंडता, सद्भाव सब रहेगा। बापू की आज़ादी की लड़ाई से लेके एक सामाजिक भारत और एक स्वतंत्र भारत के साथ साथ एक संपन्न भारत की जो परिकल्पना थी, गांव शहर से लेके गांव के जो विकास की उनके अपने सपने थे, उसको आज साक्षात कर कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज वही एक कारण है कि गांव से हमारे देश के गांव का भी व्यक्ति विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसे महान दोनों नेताओं को हम वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।